होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम रखा जाएगा। यह प्रस्ताव जल्द ही प्रदेश से केंद्र को भेजा जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान जलमंच से की। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ सेठानी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने भजन गाकर अपना उद्बोधन शुरू किया। नर्मदा जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जहां उन्होंने कहा होशंगाबाद के अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही ऑडिटोरियम दशहरा मैदान का उन्नयन किया जाएगा। मंच से ही कलेक्टर धनंजय सिंह को बुलाकर सीएम ने कहा कि कलेक्टर भैया, 172 करोड़ की सीवेज लाइन का क्या हुआ, कितना फीसदी काम हुआ? कलेक्टर भैया, अब नर्मदा मैया में मल जल नहीं मिलना चाहिए। सीएम ने एसपी संतोष सिंह से कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई चाहिए, वरना आप पर कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नर्मदा में गंदगी नहीं मिलेगी, जिसकी भी जमीन होगी उससे ली जाएगी, पैसे देकर जमीन लेंगे और यदि जमीन नहीं दी तो अधिग्रहित कर लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। नहीं तो पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, मैया गोद तिलावत है, मैया दूध तिलावत है और हम क्या दे रहे हैं मैया को? यह धर्म है, पाप है। और जनता दोषी नहीं है, हम ही दोषी हैं सब, और इसलिए ये तत्काल होना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।